बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने किया नवीन पुलिस चौकी का लोकार्पण। नवीन चौकी खुलने से अपराधों पर लगेगा अंकुश। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर थाना शेरकोट क्षेत्र अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी रामगढ़ का लोकार्पण किया गया। जन सहयोग में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा नवीन चौकी का निर्माण किया गया है। चौकी खुलने से क्षेत्रवासियों को अति शीघ्र पुलिस की मदद मिल सकेगी तथा अपराधों पर अंकुश लगेगा। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी क्षेत्र अधिकारी अफसरगढ़, थाना अध्यक्ष शेरकोट आदि उपस्थित रहे। थाना शेरकोट में NH 74 पर नवनिर्मित पुलिस चौकी श्री रामगढ़ के नाम से, जो ऐतिहासिक और पौराणिक नाम है, उसी के नाम पर यह नवीन चौकी का लोकार्पण किया गया। क्योंकि ये निर्धारित कार्यक्रम बहुत पहले से था, रक्षाबंधन के लिए। NH 74 पर रामगंगा नदी के किनारे नैनीताल हरिद्वार मुख्य मार्ग पर और स्थानीय रूप से शेरकोट और अफजलगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित है। इस चौकी की स्थापना से और इसकी शुरुआत से आने जाने वाले राहगीरों पर एक कॉन्फिडेंस का भाव उत्पन्न होगा, अपराध एवं अपराधियों का पर नियंत्रण होगा। हाईवे बनने से अन्य चौकियां नेपथ्य में चली जी गई, पीछे चली गई, इसलिए इन नवीन चौकी से हाईवे का मार्ग सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। सर, अभी आपका इस कार्यकाल में अब तक कितनी चौकी कम्प्लीट हो चुकी हैं? जनपद में कुल 24 थाने हैं और जन सहयोग से करीब 40 नवीन चौकियाँ लगा चुकी हैं, जिसमें यहाँ के अपराधियों पर काफ़ी शिकंजा करता है और स्थानीय लोगों में इसमें काफ़ी हालात जो है। अभी और भी चौकियाँ बाकी जो महत्वपूर्ण स्थान बिंदु है, वो करीब करीब हर जगह कवर है। पुलिस बल की जो उपलब्धता उसके मुताबिक मजबूत जगहों पर खोली जा चुकी है, एक दो जगह जो निर्माणाधीन है। सर, मिशन नारी शक्ति अभियान चल रहा है फेज 3 में, उसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मिशन नारी शक्ति तृतीय चरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शासन द्वारा कल ही इसका शुभारम्भ हुआ है। इसमें प्रत्येक विभाग द्वारा टास्क दिए गए हैं, लेकिन सबका क्रियान्वयन पुलिस के ऊपर है, उसको कराना है। नारियों के स्वावलंबन, स्थान सुरक्षा हिफाजत के लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक थाने में बीट का वितरण, जो लेडीज कांस्टेबल है उनको विशेष टास्क दिया गया है। यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं SPCT साहब और क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, इनके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है, कारखाने से लेकर के घरेलू हिंसा का कोई होता है, पुलिस काफी संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई करेगी। सर, नवनिर्मित चौकी रामगढ़ के शुभारंभ के अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?